أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum. Today we will learn about active and passive voices. तो चलो शुरू करते हैं. Keep in mind that in English grammar, voice is a grammatical feature that describes the relationship between the verb and the subject, also known as the agent in a sentence. So there are two types of voice in English grammar, active voice and passive voice. उर्दू में ज़रा थोड़ा सा मैं इसको बताऊं कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पश्तो हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो याद रखें कि ये दो इसमें दो मुख्तलिफ अंदाज होते हैं जुमले के. एक देखें, जो वॉइसेस यहाँ पे हम की बात करें तो इस वॉइस का हम मतलब अंदाज या तर्ज या बयां को हम कहेंगे. जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से निकली गई बातें दो किस्म की होती हैं, यानी दो मुख्तलिफ अंदाज बयां में होती हैं. इस अंदाज को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं. ये हमें क्लियर हो गया कि या तो जुमला एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में होगा. देखें, ये पैसिव वॉइस चूंकि हमारी जो मादरी जबान होती है, इसमें हम सीखते नहीं हैं इसको, ये हम खुद ही माहौल से सीख लेते हैं, क्योंकि उसका ग्रामर के तौर पर ग्रामर के अंदाज में उसको हम नहीं सीखते हैं. और ये जो पैसिव वॉइस होता है, ये दो मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये दो मुख्तलिफ अंदाज में होती है. इसको हम आगे क्लियर करते हैं कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें जुमला या जिस जुमले में फाइल जो होता है वो काम सर अंजाम देता है. फाइल मतलब सब्जेक्ट ही कोई काम करता है. लेकिन पैसिव वॉइस में वो जो काम होता है वो मफूल पर वाक़े होता है. मतलब ये कि एक्टिव में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, और पैसिव में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीव करता है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही अहम है कि हम इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में सीखें. ज्यादातर हम बातें अक्सर बातें हम पैसिव वॉइस में करते हैं या उसके लिए पैसिव वॉइस लाजमी होता है. बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जब पैसिव वॉइस किसी ख्याल को पेश करने का बेहतर काम करती है एक्टिव वॉइस से, खासतौर पर कुछ रस्मी पेशावरान कानूनी मुबाइसों में. मतलब कल मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अब ये एक पैसिव वॉइस है. अब मुझे नहीं पता कि किसने चोरी की, लेकिन हम कहते हैं कि कुछ चोरी हो गई है. इसी तरह चूहों को साइंसी तजुर्बात में इस्तेमाल किया जाता है. अब ये मैं ये नहीं कह, अब मैं सब्जेक्ट को इसमें मुझे नहीं पता कि कौन है, साइंसदान कर रहे हैं, साइंसदान कौन है, ये इस तरह, तो हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही इसको हल कर देते हैं. या हम इस तरह भी कहते हैं कि इसे सदर मुंतखब किया गया. या हम ये भी कहते हैं कि अगर पैसिव वॉइस में फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा गया या नमाज अदा हो रही है, मैच खेला जा रहा है, दहशतगर्द मारे गए, बेवकूफ मत बनो, किताबें निकाली जाएं, चोर पकड़ा जाए, अब ये सारी बातें जो मैंने की हैं ये पैसिव वॉइस में है. तो जब तक हम अंग्रेजी में इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखेंगे तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. यार वो चीजें जो हम पैसिव वॉइस में उर्दू में या किसी और जबान में बोलना चाहें तो वो फिर अंग्रेजी में हम बोल नहीं सकेंगे जब तक हम इसको सीखेंगे नहीं. यहाँ पे एक जुमला हमने दिया हुआ है कि टिम जो है, टिम हिट द बॉल. अब इसमें टिम जो है वो सब्जेक्ट है और वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो बॉल को हिट कर रहा है, करता है मतलब. और दूसरा, जब इसी जुमले का पैसिव वॉइस है तो बॉल को हमने आगे करके जो टिम है वो रिसीव कर रहा है वो एक्शन को, तो इतना फर्क है. ये आगे हम जाके अभी मजीद इसको क्लियर करते हैं. यही जुमला अभी मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट ही डूअर होता है, सब्जेक्ट ही काम करने वाला होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक जुमला है, शी राइट्स अ लेटर, तो सब्जेक्ट इसमें शी है और शी परफॉर्म कर रही है, लिखने का अमल कर रही है, और वो ऑब्जेक्ट इसमें है वो लेटर है. आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई इसमें सब्जेक्ट है और वो रीड वही परफॉर्म कर रहा है किताब को पढ़ने का अमल. इसी तरह दे विल प्ले फुटबॉल,
और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है और इसी में दे जो है सब्जेक्ट वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का असर या एक्शन को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछली स्लाइड में हमने एक जुमला कहा था कि शी राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस होगा कि अ लेटर इज रिटन बाय हर। देखिए, अब वो सब्जेक्ट यहाँ पे जो पहले जुमले में सब्जेक्ट था वो अब पैसिव वॉइस में एक्शन रिसीव कर रहा है। इसी तरह हमने एक जुमला कहा था आई एम रीडिंग अ बुक प्रीवियस स्लाइड में, तो इसका पैसिव वॉइस है अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। अब यहाँ पे आप इसके साख्त को ना देखें, इसमें बीइंग और इस तरह की चीजें को ना देखें, आगे हम जाके इसको क्लियर करेंगे। उसी तरह पिछले स्लाइड में हमने लिखा था कि दे विल प्ले फुटबॉल, तो इसका पैसिव वॉइस होगा फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम। तो इसी तरह ये साख्त आप जहन में रखें, इसको आप मजीद वजाहत करते हैं वो अगली स्लाइड में करेंगे। ये जरूर जहन में रखें कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें वर्ब को समझना होगा। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब समझा होगा, वो आपने सीखा होगा, वरना अगर किसी ने नहीं सीखा तो हम इसके ऊपर वर्ब के ऊपर एक और लेक्चर तैयार करेंगे। वर्ब हमेशा याद रखें दो हिस्सों में तकसीम होता है, इस एक को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, दूसरे को इनट्रांजिटिव। मैं मुख्तसरन आपको कह दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जिसमें वर्ब को पूरा करने, उसके मफहूम को पूरा करने के लिए वो ट्रांजिट होता है ऑब्जेक्ट को, मतलब ट्रांजिट वर्ब के लिए जरूरी है कि उस जुमले में ऑब्जेक्ट हो। और मतलब ही ब्रोक, अगर हम ही ब्रोक कहें तो ये क्या क्या ब्रोक, उसने क्या तोड़ा, तो इस ब्रोक या ब्रेक जो वर्ब है इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की बहुत जरूरी है। तो प्लेट्स, वो मतलब ही ब्रोक ऑल द प्लेट्स, तो ऑल द प्लेट्स ऑब्जेक्ट भी बन गया, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो ट्रांजिट नहीं होता है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी इज कमिंग, तो कम एक वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये शी इज कमिंग हम जब कहें तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो आ रही, ये जुमला मुकम्मल मफहूम और पूरा पूरी मानी देता है। इस तरह बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं कि स्लीप, सिट, रीच, डाई, गो, डिसअपीयर, टॉक, और बहुत और भी हैं कि वो इनट्रांजिटिव वर्ब में होते हैं। और याद रखें कि इनट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब जुमलों में चेंज होता है। तो ये यहाँ इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ आप यही जहन में रखें, आगे चल दें। अब पैसिव वॉइस को बनाने के लिए या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमला तब्दील करने के लिए तीन जनरल रूल्स हैं, वो आपने जहन में रखने हैं हमेशा, हर टेंस के लिए, हर जुमले के लिए, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये है कि जो एक्टिव वॉइस का में ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। याद रखें कि हमेशा पैसिव वॉइस में तीसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, चाहे वो कौन सा भी टेंस हो, तो पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। और पैसिव वॉइस में बाय का इजाफा होता है अगर उसमें ऑब्जेक्ट हम डालें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय इस चार्ट को यहाँ आप देखें, आपको पूरा सिनारियो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल शी हेल्प मी, ये जुमला है शी हेल्प मी, तो शी हेल्प मी इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो ये होगा कि आई, ये मी आएगा यहाँ पे, आई वॉज हेल्प्ड थर्ड फॉर्म बाय, और ये हो जाएगा हर। इसको मजीद आगे दूसरे स्लाइड में क्लियर करते हैं तो आपको मजीद क्लियरिटी हो जाएगी। ये याद रखें कि पैसिव वॉइस में वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि प्रोनाउन चेंजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल वो किस तरह, जब वो कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट में हो तो किस तरह होगा और ऑब्जेक्ट में किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल आई,
तो आई का ये सब्जेक्टिव केस है और मी इसका ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह वी का अस, ही का हेम, शी का हर, दे का यू, देम, यू का यू वही रहेगा। तो पैसिव वॉइस में इस बात को क्लियर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि हमेशा इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, तो जब आई सब्जेक्ट में होगा तो वो आई होगा, लेकिन यही आए जब हम इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो ये मी बन जाएगा। तो ये बात जहन में रखना चाहिए और इस ये जो टेबल है इसको आपने जहन नशीन करना है। हाँ अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन तमाम जो जनरली हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर बात की है और इसके बारे में जाना है, और वो जो तीन जनरल रूल्स हैं कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और बाय का इजाफा होगा। उसके अलावा अब हर टेंस को, जब हर टेंस किसी भी टेंस के जुमले को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें इन तीन रूल्स के अलावा एक तब्दीली लाजमी होती है और वो हम हर टेंस के साथ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा, इस ये वो टेंस है जिसकी अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ही शी एट या कोई वाहिद नाम है उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईस का इजाफा होता है। इसके नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट यूज होता है और सवालिया में जो इंटरोगेटिव है उसमें डज या डू पहले लगता है। इन जुमलों को जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो, उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इज एम आर का इजाफा होता है। बाकी जो तीन रूल्स हैं वो तो अपनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पहला जुमला है ही ईट्स शुगर फ्री ब्रेड। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ही और ईट्स जो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके दरमियान कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये पहली फॉर्म है ऑफ द वर्ब है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। हमें ये बताया गया कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर का इजाफा होगा। सब्जेक्ट के मुताबिक अगर इज आता है तो इज लगाएंगे, एम आएगा तो एम लगाएंगे, और आर आएगा तो आर लगाएंगे। और जो तीन रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें शुगर फ्री ब्रेड जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जो ये द इसमें नहीं है, ये गलती है। शुगर फ्री ब्रेड इज का इजाफा हो गया, इज हमेशा हमने कहा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ईट एट ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय का इजाफा हो गया, तो शुगर फ्री ब्रेड इज ईटन बाय हिम। इसी तरह दे डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट बार्स, अब यहां पे दे और डिस्ट्रीब्यूट जो सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके दरमियान कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, सिंपल सी बात है। चॉकलेट बार्स जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लगा देंगे, चॉकलेट बार्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसमें आर आएगा, चॉकलेट बार्स आर, डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड, बाय का इजाफा हो गया, दे जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में ले आए हैं हम, तो जब ये ऑब्जेक्ट में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, तो देम हो गया, चॉकलेट बार्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। इसी तरह ही टेक्स टी, प्रीमियर पता चल गया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, टी इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, टी इज आएगा, टेक्स का थर्ड फॉर्म है टेकन, और बाय और ही को अगर हम ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो हिम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इज टेकन बाय हिम। इसी तरह दे वेयर अ क्रिकेट किट, अ क्रिकेट किट इज वॉन, वेयर का थर्ड फॉर्म है वॉन बाय देम। फिर हमारे पास फाइव नंबर एक जुमला है, शी पानिशेस मी, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, मी चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, मी को अगर हम आएंगे ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये आई बन जाएगा टेबल के मुताबिक, आई तो आई के साथ आएगा एम, आई एम पानिश्ड बाय हर। इसी तरह नेगेटिव में मैंने पहले कहा कि डू नॉट और डज नॉट यूज होता है, ये अगर आ जाए डू नॉट या डज नॉट तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा,
हमारे पास पहले ही हमने बता दिया कि इज एम आर आएगा, तो उसी तरह इज एम आर डज और डू खत्म होगा, उसकी जगह इज एम आर आएगा, तो ये नॉट अपनी जगह। तो फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट ईट शुगर फ्री ब्रेड, तो शुगर फ्री ब्रेड ये डज खत्म हो गया, इज नॉट ईटन बाय हिम। इसी तरह वी डू नॉट डू आर होमवर्क इज नॉट डन बाय अस। इसी तरह इंटरोगेटिव में भी वही हिसाब होगा, डज या डू अगर पहले आएगा तो हम इस डू और डज की जगह इज एम आर सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। डज ही ईट शुगर फ्री ब्रेड, तो इसमें शुगर फ्री ब्रेड के साथ इज आएगा, शुगर फ्री ब्रेड को हम आगे आए लगाएंगे, लेकिन चूंकि ये सवालिया है तो इज इसका ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये शुरू में लग जाएगा। इज शुगर फ्री ब्रेड ईटन बाय हिम। इसी तरह डू दे डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट बार्स, तो चॉकलेट बार्स आगे आएंगे, तो चॉकलेट बार्स चूंकि जमा है उसके साथ आर आएगा, तो वो आर पहले आ जाएगा, आर चॉकलेट बार्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। इसी तरह नेगेटिव और इंटरागेटिव, इंटरागेटिव जुमला भी होता है, मतलब जो दोनों होते हैं, डज ही नॉट ईट शुगर फ्री ब्रेड, क्या वो शुगर फ्री ब्रेड नहीं खाता है। अब इसमें डज भी आ गया नॉट भी आ गया, तो नेगेटिव और इंटरागेटिव दोनों है, तो कोई मसला नहीं है हमारे पास। वैसे भी हम इस टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाते हैं, तो सवालिया में शुगर फ्री ब्रेड, शुगर फ्री ब्रेड क्योंकि ये सवालिया है तो इस पे शुरू में आ जाएगा, इज शुगर फ्री ब्रेड और नॉट अपनी जगह आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड ईटन बाय हिम। तो इसी तरह ये हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस खत्म हो गया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आप समझ गए होंगे, आपको हम इस पर एक्सरसाइज भी देंगे तो आप मजीद उसको समझेंगे। इसी तरह हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो प्रोग्रेसिव टेंस है या जो जारी टेंस है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव में क्या करेंगे। वही तीन उसूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई का इजाफा। लेकिन याद रखें कि जिस किसी भी टेंस में, जिस किसी भी जुमले में आईएनजी आ जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आ जाए या आईएनजी वाला वर्ब आ जाए, तो इसमें हम बीइंग का इजाफा करते हैं, ये जरूरी याद रखना है। मैंने कहा कि हर टेन के साथ अलग एक तब्दीली लाजमी है। तो ही इज ईटिंग शुगर फ्री ब्रेड, वही जुमला है, शुगर फ्री ब्रेड इज बीइंग, ठीक है, बीइंग का इजाफा हो गया इसमें, बीइंग ईटन बाय हिम। ही इज प्लेइंग, आईएनजी वाला वर्ब है, बीइंग आएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ही इज टेकिंग टी, टी इज बीइंग टेकन बाय हिम, सिर्फ और सिर्फ बीइंग का इजाफा होगा। दे आर वेयरिंग देयर क्रिकेट किट्स, देयर क्रिकेट किट्स आर जमा है, बीइंग वॉन थर्ड फॉर्म है वेयर का, वॉन बाय देम। शी इज क्लीनिंग हर रूम, हर रूम इज बीइंग क्लीन बाय हर। इसी तरह नेगेटिव में ही इज नॉट ईटिंग शुगर फ्री ब्रेड, वही जुमला है, शुगर फ्री ब्रेड इज नॉट बीइंग, वो बीइंग यहाँ पे आ जाएगा, इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। वी आर नॉट डूइंग आर होमवर्क, आर होमवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय अस, इंटरोगेटिव है। इज ही ईटिंग शुगर फ्री ब्रेड, उसी तरह इज शुगर फ्री ब्रेड बीइंग अब यहाँ पे आ गया, देखें इज और मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद या जो वर्ब है उससे पहले बीइंग की जगह आप पहचान लें। आर वी डूइंग आवर होमवर्क, इज आवर होमवर्क बीइंग डन बाय अस। इसी तरह नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में उसी तरह कोई इसमें चेंज नहीं है, बीइंग का इजाफा होगा। इज ही नॉट, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इज ही नॉट being is he not eating sugar free bread, तो is sugar free bread not being eaten by him। देखिए कोई मसला नहीं, सारे मतलब जो हम active से passive voice में जो भी tense करते हैं उसमें वही चीजें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हर tense का अलग, for example present definite tense में हमने कहा था कि is am are का इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पे helping verb खुद पहले से मौजूद है, is am are, तो इसमें आईएनजी वाला वर्ब यूज हुआ है, तो आईएनजी वाले वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बीइंग का इजाफा किया जाता है।
इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में तीसरा और आखिरी टेंस है, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो वही तीन जनरल उसूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाई का इजाफा। लेकिन आप जहन में रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूंकि हैज हैव यूज होता है, और हैज हैव अगर आ जाए तो आपने पैसिव वॉइस में बी डबल ई एन बीन का इजाफा करना होता है। ठीक है, बस सिंपल ये बात है। ही हैज ईटन शुगर फ्री ब्रेड, शुगर फ्री ब्रेड हैज बीन, ठीक है, बीन का इजाफा हो गया, हैज बीन ईटन बाय हिम। ही हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। ही हैज टेकन टी, टी हैज बीन टेकन बाय हिम। दे हैव वर्न देयर क्रिकेट किट्स, देयर क्रिकेट किट्स हैव बीन वर्न बाय देम। शी हैज क्लीन हर रूम, हर रूम हैज बीन क्लीन बाय हर। कोई मसला नहीं है इसमें। नेगेटिव में हैज और हैव के बाद नॉट आता है एक्टिव जुमलों में, तो कोई मसला नहीं है। पैसिव वॉइस में भी वही जुमला, वही नॉट आएगा, लेकिन हमारा जो बीन का इजाफा है वो होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट ईटन शुगर फ्री ब्रेड, शुगर फ्री ब्रेड हैज नॉट बीन ईटन बाय हिम। वी हैव नॉट डन आवर होमवर्क, आवर होमवर्क हैज नॉट बीन डन बाय अस। इंटरोगेटिव में, सवालिया में, हैज ही ईटन शुगर फ्री ब्रेड, हैज शुगर फ्री ब्रेड बीन, तो ये जगह आप पहचान लें, बीन ईटन बाय हिम। हैव वी डन आवर होमवर्क, हैज आवर होमवर्क बीन डन बाय अस। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव उसी तरह के, ये इंटरोगेटिव है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में चूंकि सवालिया और नफी दोनों होते हैं, तो इसमें देखें, हैज ही नॉट ईटन शुगर फ्री ब्रेड, हमें पता चल गया कि कोई मसला नहीं है, हैज आया, हमने बीन का इजाफा करना है, सवालिया को सवालिया के अंदाज में ही रहना है। हैज शुगर फ्री ब्रेड नॉट बीन ईटन बाय हिम। देखिए बहुत ही आसान है, आप मुख्तलिफ जुमलों को अपने जहन में रखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रखें, उसी उसूल के तौर पर हैज हैव आ जाए तो बीन का इजाफा होगा, बाकी वही तीन जनरल उसूल हैं। इसी के साथ हमारा ये टेंस भी खत्म होता है। और चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं होते, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं तीनों टेंसेस का, जरा जल्दी जल्दी। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ये हमें पहचान लिया कि देखें, सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, वी प्ले क्रिकेट, तो इसमें हमने कहा था कि इज एम आर का इजाफा होगा। ठीक है, बाकी वही उसूल है, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसी के साथ अब आईएनजी वाला वर्ब है तो हमने बीइंग का इजाफा करना है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। हैज हैव आए, परफेक्ट टेंस है, वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस, यहां पे बीइंग है आईएनजी के साथ और यहां हैज हैव है तो बीन। इसी तरह दे डू नॉट प्रेज मी, नेगेटिव है, आई एम नॉट प्रेज बाय देम, दे आर नॉट प्रेजिंग मी, I am not being praised by them. They have not praised me. I have not been praised by them. इसी तरह सवालिया है, does he punishes? Does he punish? तो ये does आ गया तो फिर s नहीं आएगा, s और es नहीं आएगा। Does he punish them? ठीक है, तो ये आएगा, are they punished by him? Are they punished by him? Does को replace कर दिया। इसी तरह Is he punishing them? तो are they being punished by him? Has he punished them? तो they चूंकि यहां पे subject की जगह ले लेगा तो have they been punished by him? देखें ये काफी आसान है, revision भी हो गया, present के तीनों tenses भी हमने कर दिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इसके सीखने में। आइंदा lecture में हम past indefinite tense, पास कंटिन्यूअस टेंस और पास परफेक्ट टेंस करेंगे। अब तक के लिए इजाजत दें, थैंक यू वेरी मच।